गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपकी क्लास फर्स्ट यूनिट लास्ट मतलब यूनिट 10 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो आपको एक मैसेज देता है कि हमको हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है, और बिल्कुल ऐसा ही मैसेज इस कहानी में दिया गया है जिसका नाम है द टेलर। टेलर का मतलब होता है दर्जी जो कपड़े सिलता है, और हिज फ्रेंड उसके दोस्त, और उसका दोस्त है एक प्यारा सा हाथी, दिख रहा है ना आपको पिक्चर में। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आपकी कहानी। ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छी कहानी है जो हमको ये सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। कालू द टेलर, इस टेलर का नाम कालू था। हैड ए शॉप, उसकी एक दुकान थी नियर द रिवर, नदी के पास। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए बड़ी प्यारी प्यारी पैंटें कमीजें बनाता था। अप्पू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड, और अप्पू नाम का हाथी उसका दोस्त था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, अप्पू उसकी दुकान पर रोज आता था। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, कालू इस अप्पू को बढ़िया बढ़िया खाने की चीज देता था। देखो इसमें केला दे रहा है, वो दे रहा है। अब क्या हुआ कि वन डे कालू वांटेड टू प्ले ए ट्रिक, कालू ये चाहता था कि एक दिन मैं इसके साथ एक ट्रिक खेलूं। He did not give Appu anything to eat, कालू ने उसको खाने को कुछ नहीं दिया। He took out his needle, उसने सुई निकाली। Instead और इसके बजाय, instead मानी होता है इसके बजाय, and picked Appu's trunk, और ट्रंक मानी होती है सूंड। उसने देखो उसकी सूंड में सुई चुभ दिया। उई कितनी तेज बेचारे की उसने सुई लगाई होगी। फिर क्या हुआ, अप्पू रे नवेन पेन, अप्पू को बहुत तकलीफ हुई और वो दर्द की वजह से थोड़ा डर भी गया होगा, और दर्द भी बहुत हो रहा था तो वो वहाँ से भाग गया। टू डेज लेटर, दो दिन बाद अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर, दो दिन बाद अप्पू नदी से वापस आया और अपनी सूंड में पानी भर लाया। He raised कालू's shop, वो कालू की दुकान पर आया। And threw water everywhere, वो हर जगह पानी फेंक दिया। All the new clothes became wet, सारे नए नए कपड़े जो थे वो भीग गए। अप्पू shook his trunk and said, अप्पू ने अपना सर हिलाया और बोला, An elephant never forgets, एक हाथी कभी भूलता नहीं है कि तुमने मेरे साथ गलत किया था, तुमने तुम्हारे साथ गलत कर दिया। कालू सैड, कालू बोला, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। अप्पू लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, आओ हम दोबारा से दोस्त बनते हैं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब देखो बच्चों, इस तरह से कालू और अप्पू दोबारा से क्या बन गए, ये बन गए फिर से दोस्त।